एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माई चैनल। आज का ब्लॉग नॉर्मल ब्लॉग से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं ट्राई करने वाली हूँ मुंबई के स्ट्रीट फूड्स। सिंस आई एम फ्रॉम मुंबई, इसके लिए मुंबई स्ट्रीट फूड। मुंबई में क्या चीज़ें फेमस होती है? जब भी आप मुंबई के बारे में सोचें, सबसे पहला फेमस फूड आपके दिमाग में क्या आता होगा? वड़ा पाव, राइट? तो आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं वड़ा पाव, डोसा, पाव भाजी, पानी पूरी एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ पवई गलेरिया के अंदर, जिस लोकेटेड इन पवई हीरानंदानी। सो गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि दोपहर का टाइम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। गलेरिया के अंदर और ये शॉप का नाम है क्लासिक यम। बहुत पहले से आ रही हूँ मैं यहाँ पे और बहुत पहले से आपको मैं डोसा खाती आई हूँ, और यहाँ का डोसा इज माय ऑल टाइम फेवरेट। सांभर यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है अभी, बट गुड। और गाइस, तो मैं अभी केतरी में, जो कि है पवई हीरानंदानी के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं बेसिकली सब, और यहाँ के ऑफिसेज के लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। आई हैव ऑर्डर्ड पाव भाजी विच इज़ माय पर्सनल फेवरेट, और पाव भाजी भी मेरे हिसाब से मुंबई में अच्छा मिलता है। तो मैंने अभी ऑर्डर किया पाव भाजी, देखते हैं कैसा है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया यहाँ का पाव भाजी, स्पेशली मैंने यहाँ पे समोसा खाया है, ढोकला खाया है, सब कुछ खाया है, पर पाव भाजी मैंने आज तक नहीं ट्राई किया। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। और पाव भाजी खा लिया, पर मुझे इतना खास लगा नहीं पाव भाजी, मैंने इससे बहुत अच्छे से पाव भाजी खाया है। मेरा पर्सनल फेवरेट पाव भाजी है अचीजा घाट को, पर मतलब प्रॉब्लम इज वो बहुत लेट स्टार्ट होता है, और जब तक वो स्टार्ट होगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, तो इसके लिए फिर मैंने वो स्किप कर दिया। और अभी हूँ मैं यहाँ पवई हीरानंदानी में, पर केतरी का मैंने समोसा ट्राई किया है, ढोकला ट्राई किया है, फ्रेंकी ट्राई किया है, वो सब तो बहुत टेस्टी थे, पर पाव भाजी इतना खास नहीं लगा। इट वॉज गुड नॉट बैड, पर इतना खास नहीं लगा। ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे पोल, यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स हुई है बेसिकली पवई हीरानंदानी में, बहुत सारी शूटिंग्स हुई है ये पोल के। यहाँ पे तो चलते चलते का शूटिंग हुआ है, जितना मैंने देखा, जितना मुझे याद आ रहा है अभी, तो चलते चलते का शूटिंग हुआ है, और गोविंदा का कौन सा मूवी था, हसीना मान जाएगी का शूटिंग हुआ है, और हम साथ साथ का शूटिंग हुआ है, ABCDEFGHI वो वाला शूटिंग हुआ है, और फिलहाल तो इतना ही मुझे याद आ रहा है। ये बड़ा कम दिख रहा है और चूरा ही ज़्यादा दिख रहा है इसके अंदर, ये बड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फिर यहाँ पे काफ़ी लोग अटैक करे हम लोग के ऊपर चूरा के लिए, मेरा है। तो हम लोग अभी आए हैं कीर्ति कॉलेज के यहाँ पे बहुत ही फेमस वड़ा पाव वाला है, जिसका नाम है अशोक वड़ा पाव।
और मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए हैं वड़ा पाव खाने के लिए, स्पेशली जैसे कि जैकी श्रॉफ, सचिन तेंदुलकर, और कौन, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित, और पता नहीं, मतलब बहुत सारे आए हैं। इधर ही कीर्ति कॉलेज है, उसके बाद में ये वड़ा पाव वाला है। अगर आप यहाँ पे कभी भी आ रहे हो तो आप आ सकते हो 11:30 to 12:30 के बीच में, या तो 3 to 4 के बीच में। इन बीच में बहुत ज़्यादा रश होती है कि आपको वड़ा पाव देखने तक नहीं मिलेगा। थोड़ा एक्चुअली इधर का सीन ऐसा नहीं, थोड़ा सा मेसी सा है वड़ा पाव, मतलब थोड़ा सा ठीक से ये नहीं किया है, बहुत फैला फैला सा है, तो खाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और चटनी का टेस्ट तीखा मीठा मिक्स है, मतलब अच्छा है। मैंने बेसिकली ना बहुत जगह पर वड़ा पाव खाया है, आउट ऑफ मुंबई बहुत जगह पर मैंने वड़ा पाव खाया, पर मुंबई जैसा वड़ा पाव सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही मिलता है। तो ऑब्वियसली मुंबई का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड इज वड़ा पाव। वो जो बाजू वाला जो बिल्डिंग है, ये क्रीम कलर का नहीं, उसके बाजू वाला जो ग्रे कलर का बिल्डिंग है वो है एंटीलिया, अंबानी जी का घर। और सर पीना कोलाडा था, और वेनिला आइसिंग थी, हाँ, तो मैंगो बेरी, और एक कौन सा बोला था, दबंग, एक दबंग दे, एक मैंगो बेरी दे, तो उधर दे क्या काउंटर पे, या मेरी गर्मी हो रही है, रुक ये बेटर है। हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मिला है यहाँ पे, सिम्बा क्रीम, बहुत ज़्यादा स्वीट है, पता नहीं स्ट्रॉबेरी को लग रहा है, स्ट्रॉबेरी वेनिला और कुछ कुछ मिक्स है। और वो भी है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, फालूदा के अंदर रहता है ना ब्लैक वाइट, ब्लैक एंड वाइट रहता है ना फालूदा के अंदर, ऐसा ऐसा सब्जा, हाँ सब्जा, कोई पता था तो ये कितना कौन पिएगा, मतलब एक में पेट भर जाएगा, बाकी का 3 तुझे ही पीना पड़ेगा, और सिम्बा अलग से। ओके, तो हम लोग ने ऑर्डर किया था एक दबंग, ये है एक दबंग, मतलब ये एक है, हम लोग पता, हम लोग लगा ये एक है, पर ये एक हो गया एक्चुअली, तो ये एक दबंग हो गया, एक में दो, मतलब पता नहीं क्या इधर का फंडा समझा नहीं, पर ये एक हो गया। और दूसरा हम लोग ने ऑर्डर किया है मैंगो बेरी, मतलब और दो ग्लास आएंगे, तो टोटल 4 ग्लास आएंगे। तो वैसे ही मैं ज़्यादा पीती ही नहीं हूँ ये सब, पर गर्मी की वजह से पी रही हूँ, तो अभी ये 4 ग्लासेस हम कैसे ख़त्म करेंगे पता नहीं, बट पाटिल जूस सेंटर जो कि है ओपेरा हाउस में, पर इस ये दबंग में आपको इसमें है बेसिकली स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट, कीवी मेरा फेवरेट, वनीला आइसक्रीम और काजू। ₹160 का एक ग्लास, मतलब दो ग्लास, मतलब एक ग्लास एंड दो ग्लास, मतलब ये हाफ है और फुल, मतलब दो ग्लास, तो बेसिकली ₹160 का एक ग्लास, मतलब दो ग्लास। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं, हाफ मतलब एक ग्लास, फुल मतलब दो ग्लास, तो ₹160 का फुल मतलब दो ग्लास, और आपके पास ऑप्शन भी है हाफ लेने का। अच्छा दबा रही है दबा, गेस करो मैं कहाँ हूँ अभी, गिरगांव चबारी में हूँ मैं अभी। अभी मिल्क शेक या क्रीम शेक या व्हाटएवर शेक को पीने के बाद हम आए हैं यहाँ पे पानीपुरी खाने। तो यहाँ पे एक फेमस पानीपुरी का स्टॉल है जो कि है बादशाह पानीपुरी, तो फिलहाल हम लोग वहाँ पे आए हैं, और धूप भी बहुत है, खाली खाली सा है, और यहाँ पे अभी खाली खाली से थे दोपहर है ना, तो जैसे जैसे सनसेट होगा ना वैसे 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 यहाँ पे क्राउड होगा, तो फिलहाल तो नो पब्लिक्स। आगे बात छबानी पूरी, पेट में जगह ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा टेस्ट करके खा लेंगे। पानीपुरी के बाद सूखा पूरी खाना, ये हम लड़कियों का ना जन्म सिद्ध अधिकार होता है,
नो एक भी दो चीज़ें होता है, एक तो मिल ही जाता है, दूसरा मांगना पड़ता है। गार्डन है, आई थिंक मैं फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में रहूँगी तभी तभी हम लोग सब लोग यहाँ पे जाते थे खेलने के लिए वो गार्डन में। तो गार्डन के बाहर ही एक गोला वाले अंकल रोज़ आते थे रेगुलरली, तो हम लोग वहाँ पे जाते थे गोला खाने के लिए। वो टाइम पे 50 पैसा से स्टार्ट होता था गोला, मतलब 50 पैसा का वो हाथ से बनाते थे, ऐसे हाथ से बनाते थे गोला वाला छोटा सा। 1 रुपीज़ का आता था वो, छोटे कटिंग चाय वाला ग्लास आता ना उसमें से दबा दबा के बनाते थे 1 रुपीज़ वाला गोला। और 2 रुपीज़ में आता था चम्मच गोला, मतलब सब कांच का बड़ा ग्लास, उसमें सब फ्लेवर डाल के फिर बर्फ़ डाल के चम्मच गोला, मतलब जिसने चम्मच गोला ऑर्डर किया वो अमीर, जिसने छोटा गोला ऑर्डर किया वो गरीब। पर मुझे बेसिकली गोला ऐसा स्टिक वाला पसंद है, चम्मच गोला नहीं पसंद। और वो टाइम का मतलब होता क्या था, हम तो नॉर्मल छोटा वाला गोला ऑर्डर करते थे वहीं पर खड़े रहते थे, जैसे ख़त्म हुआ फ्लेवर वापस से बॉटल से निकल के, मतलब तो पूरा वसूल आठ रुपये के गोला हम लोग 5-6 रुपये का वसूली करते थे वो गोले में। वो टाइम का बात अलग था, अभी का बात अलग है, मतलब 40 रुपीज़ में अभी तो 80 गोला आ जाएंगे डूड। ये गोला खरीद 80 गोले आ जाते थे, 80 मतलब पूरा इधर सबको खिला देती मैं गोला। ख़त्म भी हो गया है भाई, मतलब देखो मतलब ये गोला पिघल गया और ये पानी भर गया इसके अंदर, मतलब वो गोला कम जूस हो गया। और ना पहले वाला फ्लेवर जो था ना ये वाला काला कटा वो एकदम डिफरेंट था, पहले वाला फ्लेवर एकदम टैंगी और था, ये थोड़ा सा मीठा मीठा सा एकदम। बचपन में गोला खा के सबको जीभ दिखा देते, मैंने मैंगो खाया, मैंने स्ट्रॉबेरी खाया, मैंने काला कटा खाया, मैंने काला कटा खाया, दिख रहा है क्या? नहीं अभी 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 कलर में वो बात नहीं है ना, बचपन में कलर में बात अलग थी, अभी बात नहीं है, पर ज़्यादा केमिकल सब कम हो रहा है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप कभी ना कभी ये जगह पे आए होंगे, बचपन में तो ज़रूर आए होंगे विदाउट अ डाउट, मतलब बचपन की तो बहुत सारी मेमोरीज होगी यहाँ पे। हम लोग बचपन में यहाँ पे आते थे, मेरी नानी, मम्मी, मेरे सिस्टर, मेरे कजिन्स, पर हम लोग घर से ले जाते थे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता था, हम लोग घर से ले जाते थे खाने के लिए। आप अगर बचपन में यहाँ पे नहीं आए हो तो आप मुंबई के हो ही नहीं सकते। हाँ अभी ठीक है। Thank you.
फुल हो गया है, हवा खाना बाकी था तो यहाँ पे आए हम लोग हवा खाने के लिए, तो हवा भी खा लिया है, सनसेट भी हो चुका है और सनसेट का टाइम लग देखे बिना आप लोग जाइएगा नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।